गाइज आज हम करने वाले हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तगड़ा रैम चैलेंज, जिसमें हमारे साथ है थॉर, यहाँ पे हल्क और यहाँ पे स्पाइडरमैन। और लेकिन गाइज आज का चैलेंज इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आज का चैलेंज बहुत ही ज्यादा टफ है। इनको यहाँ पे से इन सारे मुसीबतों को पार करते हुए आगे की तरफ जाना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी मुसीबत है, देख सकते हैं ट्रक वगैरह। और फिर आगे जाके यहाँ पे इनका प्राइस पूल रखा है, जो कि इतना सारा सोना पैसा, और साथ ही साथ यहाँ पे एक बॉटल है जिसके अंदर है भाई साहब पावर। अगर इस बॉटल के अंदर की पावर ले ली तो उसको भाई साहब यूनिवर्स की सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट पावर मिल जाएगी, जो कि किसी को भी हरा सकती है। इस पावर को अगर लेना है तो इस पूरे के पूरे रैम को पार करना होगा। अरे अरे फ्रैंकलिन ब्रो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस चैलेंज को तो मैं अभी पार कर दूंगा, और वो पैसा, वो सोना, और साथ ही साथ वो पावर्स भी ले लूंगा, क्योंकि पावर्स की मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आजकल मेरे से कोई भी गुंडे नहीं भागते हैं, स्पाइडरमैन का खौफ खत्म हो गया है, इसलिए मेरे को पावर्स की सख्त जरूरत है। ये देखो मैं विली मार के जा रहा हूँ। अरे ये क्या, अरे मैं तो गलत साइड चला गया, नीचे गिर गया। लेकिन कोई बात नहीं, वापस से मेरे को मौका मिला है, मैं इस चैलेंज को पार करके दिखाऊंगा किरण की कसम। अरे गाइस यहाँ पे स्पाइडरमैन तो बहुत ही ज्यादा फॉर्म में, किरण की कसम वसम खा रहा है, और इसको तो यार पावर्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ऐसा बोल रहा है, क्योंकि यार स्पाइडरमैन का खौफ खत्म हो चुका है। वैसे हो ही जाएगा यार, ये नुबड़ा पता नहीं किसी को मार भी पाता है कि नहीं गुंडे वुंडे को, खाली यार फालतू की बकवास करता रहता है, और आजकल तो यार इसके मैं किससे भी नहीं सुन रहा। और यहाँ पे वैसे बाइक तो बहुत ही ज्यादा सही चला रहा है, लेकिन बस थोड़ा कंट्रोल करके रख यार, इसकी बाइक थोड़ी इधर उधर जा रही है। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है यार, यू टर्न क्यों ले रहा है, शायद यार ये जो बर्गर के ये सब प्रॉप्स रखे इसके साथ खेल रहा है स्पाइडरमैन। नहीं 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 अच्छा गाइस यहाँ पे ये रन अप ले रहा था, और यहाँ पे लगा दी जंप, यहाँ पे ग्रीन वाले पे आ गया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब यहाँ पे रैंप पे देख सकते हैं सामने यार ट्रक्स रखी है, इन ट्रक्स के ऊपर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता बाइक को, क्योंकि एक गलत कदम और सीधा नीचे। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे स्पाइडरमैन काफी ज्यादा बढ़िया खेल रहा है, और यहाँ पे ट्रक्स को तो इसने एक ही बार में पार कर दिया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्पाइडरमैन यार, तू तो काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा है। अरे फ्रैंकलिन ब्रो यार, अपनी तरह नुबड़ा समझाएगा, ये देखो उस बर्गर को मैं क्या नीचे फेंका, ऐसे ही मैं तुम्हें भी फेंक दूंगा अगर मेरी बेइज्जती की तो। तुम्हें तो पता ही है स्पाइडरमैन कितना ज्यादा प्रो है, अभी देखो इसको भी मैं पार कर दूंगा स्पीड में। अरे ये क्या, मैं तो जाके ठुक गया, फिर नीचे गिर गया। अरे मेरे को एक और चांस मिलेगा कि नहीं? अबे नहीं, स्पाइडरमैन एक ही चांस मिलता है जो तूने गवा दिया। और लो भाई साहब, अबे जमीन पे गिर गया, पैराशूट खोला, लेकिन पैराशूट खोल के भी कुछ भी फायदा नहीं, और यहाँ पे स्पाइडरमैन तो इस वाले चैलेंज से बाहर हो गया। बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े डिंगे मार रहा था, और कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी देखते भाई नेक्स्ट कंटेस्टेंट अपना हल्क इसको पार कर पाता है कि नहीं। हल्क सबसे ज्यादा शक्तिशाली, हल्क किसी से नहीं डरता, हल्क इस चैलेंज को पार कर देगा। हल्क की बाइक देखो, हरी कलर की, हल्क की तरह एकदम हरी हरी गोभी की तरह। अभी देखो मैं विली मार रहा हूं, अभी इस रैम को भी मारूंगा, हल्क इसको जरूर पार करके दिखाएगा। अबे यहां पे हल्क भी बहुत ही ज्यादा फॉर्म में, वैसे देखा जाए तो यार हल्क तो फॉर्म में होगा ही, क्योंकि यार इसका दिमाग इतना ज्यादा सटका हुआ रहता है। लेकिन जो भी हो, यहां पे रैम पे आ चुका है, और यहां पे शायद ये भी रन अप ले रहा है। अबे भाई खड़ा होके कर क्या रहा है, अबे हल्क क्या सोच रहा है? हल्क सोच नहीं रहा, हल्क को भूख लग रही है, ये जो सामने बर्गर पड़ा है इसको देख के हल्क को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, इसलिए हल्क सोच रहा है इस रैम को करे या इस बर्गर को खा ले। अबे हल्क के बच्चे, तू चैलेंज करना है तो कभी तो खाने का मत सोच भाई साहब, यहाँ भी आके बर्गर का सोच रहा है कुछ भी यार। लेकिन अभी देखो आगे बढ़ रहा है, काफी ज्यादा अच्छी तरीके से खेल रहा है वैसे हल्क तो। हल्क कभी बुरा खेलता ही नहीं, हल्क सबसे ज्यादा शक्तिशाली, हल्क सबसे ज्यादा ताकतवर। अभी देखना ऐसा जंप मारूंगा कि किसी ने देखी भी नहीं होगी, हल्क का सुपर जंप। अबे वाह भाई साहब, यार हल्क तो जो बोला वो करके दिखाया, और भाई साहब वो बर्गर वाले को क्या उठा के टक्कर मारी, और पीछे वाले को भी टक्कर मार रहा है बाइक से। लेकिन जो भी हो, हल्क तो बहुत ही ज्यादा फॉर्म है, और यहाँ पे इस वाले बर्गर को भी मार के नीचे गिरा दिया, देख सकते हैं यार मस्ती बहुत ही ज्यादा करता है। और यहाँ पे आगे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे ग्रीन वाले पे भी आ गया काफी ज्यादा मस्त तरीके से, और यहाँ पे भी एक बर्गर का पड़ा है, और इसको भी नीचे फेंक दिया। और अभी देखते हैं आगे ये ट्रक वाले को पार कर पाता है कि नहीं। अरे फ्रेंड भाई, जिस हिसाब से यार ये हल्क चैलेंज को कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तो ये पार कर लेगा। और ये देखो ट्रक वाले को तो इसने एक ही बार में पार कर लिया। अभी ये आगे आ चुका है, ये वाला सबसे ज्यादा मुश्किल है, यहाँ पे हल्क को अपने दिमाग लगाना होगा, जो कि इसके पास बिल्कुल नहीं है। अबे नहीं सिंचन, इसके पास है दिमाग, देख भाई साहब धीरे धीरे इसको पार कर रहा है। यहाँ पे स्पाइडरमैन आके गिर गया था, लेकिन हल्क इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है, एकदम शांत दिमाग से धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर बाइक का टायर हल्का सा भी फिसला तो भाई सीधा नीचे जाके गिर जाएगा। लेकिन यार हल्क तो बहुत ही ज्यादा सही खेल रहा है, और देख सकते ऑलमोस्ट इसने पार कर लिया। हल्क को कोई भी नहीं रोक सकता, ये रैम तो क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं रोक सकता।
अभी देखो हल्क यहाँ से बाइक को उड़ाएगा, एकदम मस्त वाला सुपर जम्प, हल्क सुपर जम्प करेगा और ये लो हल्क चल पड़ा। अरे भाई साहब यहाँ पे हल्क ने जो बोला यार काफी ज्यादा तगड़ा सुपर जम्प लगाया और यहाँ पे लैंडिंग भी एकदम परफेक्टली कर दी। देख सकते हल्क काफी ज्यादा आगे आ चुका है चैलेंज में और जितना ज्यादा आगे आ रहा है चैलेंज उतना ज्यादा टफ होते जा रहे हैं और यहाँ पे टायर को नीचे गिरा रहा है यार देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और टायर था उसको भी धक्का मारा। और लेकिन एक मिनट यहाँ पे तो इतनी पतली सीढ़ी है इसमें एकदम आराम से बाइक को लेके जाना होगा, जैसा कि हल्क ने बहुत ही ज्यादा मस्त तरीके से पार किया। और अभी आगे और भी ज्यादा पतली सीढ़ी, अरे सीढ़ी नहीं तो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पे बाइक को चलाना होगा और आगे जाके चढ़ा के यार सीधा प्लेन है, प्लेन के ऊपर चलानी होगी बाइक को। अरे फ्रैंकल भैया इतना टफ चैलेंज तो मैंने कभी नहीं देखा यार, ये प्लेन के ऊपर बाइक कैसे चलाएंगे, यहाँ पे प्लेन पे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अबे तो सिंजन चैलेंज का प्राइस भी तो उतना ज्यादा बड़ा है इसीलिए तो चैलेंज इतना ज्यादा टफ है। भाई साहब जो भी जीते उसे यार दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स मिलने वाली है, तो यार चैलेंज तो डिफिकल्ट होगा ही। लेकिन यार ये देख तो हल्क तो यार कितने मस्त तरीके से पार कर रहा है, यहाँ पे पहले प्लेन को पार कर दिया और दूसरे वाले प्लेन को भी पार कर दिया येलो कलर को और यहाँ पे तीसरे ब्लू प्लेन पे भी आ गया। हो क्या मस्त तरीके से खेल रहा है हल्क। अरे हाँ फ्रेंकली भैया ये हल्क तो काफी ज्यादा मस्त खेल रहा है मेरे ख्याल से इसकी सुपर बाइक की वजह से। वैसे तो यार यहाँ पे देखो बाल बाल बचा ये। अरे हाँ हाँ बाल बाल बचा, लेकिन ये तो देख यहाँ पे फिनिश लाइन के कितना ज्यादा करीब आ चुका है हल्क। यहाँ पे बस एक तगड़ी वाली जंप लगानी है और परफेक्ट लैंडिंग करनी है। अगर परफेक्ट लैंडिंग कर दी हल्क ने तो ये चैलेंज जीत जाएगा, सारा का सारा सोना और डायमंड और पैसा सब कुछ हल्क हो जाएगा और साथ ही साथ वो पावर्स भी जो कि उस बॉटल्स के अंदर रखे है। यहाँ पे हल्क बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा के खड़ा है, भाई साहब सोच रहा है कितना ज्यादा एंगल पे इसको जंप करना है और कितनी स्पीड रखनी है। हल्क तो जितना दिमाग लगाना लगा ले, जितना टाइम चाहिए ले ले, क्योंकि यार ये तेरे करियर का सबसे बड़ा जंप होने वाला है। हल्क को पता है हल्क किसी से नहीं डरता, हल्क अभी जा रहा है, ये देखो मैं चला और यहाँ पे मैंने फुल स्पीड में जंप लगाई। अरे ये क्या, हल्क ने तो कुछ ज्यादा ही बूस्ट दे दिया, शिट हल्क तो कुछ ज्यादा ही आगे आ गया, अरे गिर गया, अरे माथा टूट गया हल्क का। अबे यार हल्क ने तो अपने शरीर का कुछ ज्यादा ही पावर लगा दिया, इसकी वजह से यार जहाँ पे इसको लैंड करना था उससे ज्यादा काफी आगे आके गिर गया यार शिट। और यहाँ पे हल्क भी था चैलेंज से बाहर। अब भाई साहब बस आखिरी मौका है थॉर के पास, अब देखते हैं थॉर कुछ कर दिखाता है कि नहीं। ओए तोड़ दूंगा, ओए फोड़ दूंगा, ओए थॉर ही तो कर दिखाएगा, ओए थॉर की धन्नो है ना, ओए थॉर देखना इस चैलेंज को स्कूटी से पार करके दिखाएगा, ओए ओए किसी को नहीं छोड़ूंगा, ओए सबको तोड़ फोड़ के मरोड़ दूंगा, ओए बल्ले बल्ले। अरे दोस्तों थॉर भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मस्त वाले कॉन्फिडेंस में दिख रहा है, लेकिन ये क्या इसने चैलेंज पर स्कूटी लेके आई वो भी पिंक कलर की, भाई साहब स्कूटी से कैसे पार करेगा। और ये तो देख सकते हो यार स्कूटी से काफी ज्यादा सही तरीके से ये उड़ रहा है, मतलब यार मस्त चला रहा है एकदम हैवी ड्राइवर की तरह। अरे कल वे आंडू पांडू समझा क्या, ओए थॉर हूं मैं, ओए सबकी बैंड बजा के रख दूंगा, ओए ये चैलेंज क्या है, ओए ऐसे चैलेंज मैंने बहुत खेले थे, बस वो बात अलग है कि मैं थोड़ा सा मोटा हो गया घर पे रह के, लेकिन इस वाले चैलेंज को मैं पार कर दिखाऊंगा, सबको तोड़ फोड़ दूंगा। बात तो सही बोली वैसे थॉर यार, तू मोटा तो हो गया लेकिन जो भी चैलेंज काफी ज्यादा बढ़िया खेल रहा है और देख सकते हैं सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है ये, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे काफी ज्यादा मस्त अपने स्कूटर को संभाल के चला रहा है थॉर। और यहाँ पे स्कूटर थोड़ी सी धोखा ना दे दे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे इसने जंप लगा दी और ये क्या भाई साहब टायर के बीच में से नहीं तो बाहर ही जंप लगा दिया और सीधा आगे की तरफ बढ़ के सीधा प्लेन पे लैंड कर दिया। ओ माय गॉड यहाँ पे थॉर ने तो इतिहास रच दिया भाई साहब, ऐसा जंप तक किसी ने भी नहीं लगाया यार जो कि थॉर ने लगा दिखाया। इसने आधा जो डिफिकल्ट पॉइंट था ऐसी पार कर लिया, सीधा प्लेन वाले पॉइंट पे पहुंच गया यार, क्या मस्त खेला थॉर ने। अब इसको आगे और तीन प्लेन्स को पार करना है। अरे फ्रैंकली भैया ये थॉर तो असली खिलाड़ी निकला यार, इसने तो मचा के रख दिया। गाइस कमेंट में थॉर ओपी जरूर लिख दो, आज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो फटाफट। और यहां पे थॉर तो देखो तीनों के तीनों प्लेन्स को भी पार कर दिया। हां भाई सिंचन ऑलमोस्ट पार कर दिया, रेड वाले पे भी जा रहा है, लेकिन इसकी स्कूटर में आग लग चुकी है, देख सकते हैं गाइस इसकी स्कूटर में बहुत ही ज्यादा भयंकर आग लगी है। इस थॉर को फटाफट इस चैलेंज को पार करना होगा वरना यार इसकी स्कूटर कभी भी फट जाएगी। और देख सकते हैं रैंप पे आकर इसकी स्कूटर फट गई, लेकिन इसने काफी ज्यादा तगड़ी जंप लगाई, देख सकते लैंड कर पाता कि नहीं, और यहां पे इसने लैंड कर दिया बहुत ही ज्यादा मस्त, इसकी स्कूटर नीचे फेंका गई लेकिन थॉर यार लैंडिंग पॉइंट पे रह गया। यूहू यहां पे चैलेंज जीत गया भाई साहब थॉर, उसकी स्कूटर यार फूट गई एकदम जल के राख हो गई, फेंका गई, लेकिन यार जैसे तैसे पता
पता नहीं और कैसे बच गया ये और ये चैलेंज जीत गया। ये सारा का सारा सोना डायमंड और ये पावर थॉर का होता है भाई साहब। उसकी स्कूटर में क्या आग लगी थी, मेरे को तो लगा ही नहीं कि पहुंचेगा, लेकिन वो तो पहुंच के भाई साहब लैंड भी कर दिया। अरे फ्रेंड भाई मजा ही आ गया यार, थॉर ने तो आज कुछ एकदम ओपी करके दिखा दिया, ऐसा तो कोई भी नहीं कर पाता। स्कूटर फेंका गई पर ये बच गया, बहुत बढ़िया। अब ये बॉटल की पावर्स लेगा थॉर और बहुत पावरफुल बन जाएगा, और ये देखो इसके अंदर तो बहुत ज्यादा शक्ति आ गई है। क्या छलांग लगाया थॉर ने। अबे सिंचन तू छलांग की बात कर रहा है, इसकी पावर्स तो देख क्या मुक्का मार रहा है भाई साहब, ऐसी पावर्स तो किसी के पास नहीं होगी। और कितना ज्यादा तेज दौड़ पा रहा है ये थॉर। ओए तोड़ दूंगा, ओए फोड़ दूंगा, ओए बोला था ना मैं ये चैलेंज जीत के दिखाऊंगा, ओए मैं जीत गया, अब मैं दौड़ूंगा, बहुत तेज दौड़ूंगा, दौड़ दौड़ के पतला हो जाऊंगा, जो मैं मोटा हुआ हूँ, जो मेरा तोन निकल गया है इसको मैं पतला करके रहूंगा। मजा ही आ गया आज तो ये चैलेंज खेल के। हाँ भाई साहब मजा तो आ गया। और गाइस अगर आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल सुगम गेमिंग को सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल वाला बटन दबा दो फटाफट, और कमेंट में थॉर ओपी जरूर लिखना यार, इसका मस्त वाले परफॉर्मेंस की वजह से फटाफट कमेंट में जाके लिखो।